नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। निखिल गोयल आपके लिए आज संधारित्र तथा धारिता का एक नया विषय, महत्वपूर्ण विषय और काफी दुविधाजनक विषय लेकर आया हूं, जिसका नाम आता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी आवेशन और निवेशन। तो मेरे बच्चे, आज के इस सत्र को शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आज से पहले मैंने जितना भी पढ़ाया है वो समझ आया होगा और आपने अपनी तरफ से अभ्यास भी किया होगा। आज के इस सत्र के बाद मैं मेरे बच्चों के लिए संधारित्र के आधार पर एक अभ्यास सत्र भी लेकर आने वाला हूं, जो आप लोगों को काफी तथ्य समझने में साबितगार साबित होगा और मेरे बच्चे आप लोगों को कई सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो अभी सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देता हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बेटा, पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूं और कई हजार छात्रों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और कई छात्र मेरे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। आईआईटी जैसे संस्थान, एम्स जैसे संस्थानों से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और हाल ही में मैंने एक शोध भी करी है। वैसे मैं कई छोटी छोटी शोध तो कर चुका हूं, हाल ही में एक बड़ी शोध करी है जो कि भारत में अपने नाम से जानी जाएगी आने वाले समय में। तो मेरे बच्चे, अगर आप मुझसे भौतिकी क्षेत्र का ज्ञान लेना चाहते हैं, मुझसे भौतिकी सीखना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे बच्चों के लिए मैं 1 दिसंबर से अपना नीट 2022 का कोर्स शुरू कर चुका हूं। तो आप अपनी तैयारी मुझसे जुड़कर कर सकते हैं, हर चीज डिटेल में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 2 कोर्स के माध्यम से जुड़ना है हमारे साथ। एक होता है बेटा आइकॉनिक कोर्स, एक होता है बेटा प्लस कोर्स। फर्क क्या है दोनों में? आइकॉनिक कोर्स में आपको वो हर चीज मिलती है जो आपको जरूरत होती है, हाँ, खाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ मटेरियल, मटेरियल के साथ गाइडेंस, गाइडेंस के साथ स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी के साथ सिलेक्शन। आपको वो हर चीज मिलती है जो एक बच्चे को जरूरत होती है और प्लस में आपको लेक्चर्स मिलते हैं। लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों को हमसे बात करने का भी मौका मिलता है जब आप मेरी प्लस क्लास में आते हैं। आप बात कर सकते हैं मुझसे, फायदा है ना? हाँ, तो आप लोग जिस भी माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार जुड़ना चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जब भी आप कोर्स खरीदेंगे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कोर्स लेंगे ना, तो आपको एक कोड लगाना है बेटा, एनजी लाइव। इस कोड को लगाने से 10% की तुरंत आपको छूट मिल जाती है जितनी भी आपको कॉस्ट होती है। बड़ा स्पेशल कोड है। प्लस इससे भी एक और स्पेशल बताऊं, इससे स्पेशल कोड होता है बेटा हमारा योद्धा। योद्धा लगाने से 10% तो मिलता ही मिलता है, ये तो कम से कम होता है, इससे ज्यादा भी मिलता है। और बच्चों को एक खास बात मिल जाती है कि बच्चे सबसे जुड़ जाते हैं, अनअकैडमी से जुड़ते हो आप। अनअकैडमी पे हम भी है, अनअकैडमी पे और भी है, अनअकैडमी पे हमारी पूरी टीम भी है, अनअकैडमी पे सब कुछ है। आप अनअकैडमी की नीट यूजी कैटेगरी से जुड़ते हो, जहां आप सबसे पढ़ सकते हो, सबसे डाउट पूछ सकते हो, सबसे बात कर सकते हो, आपको जिस जिस से जरूरी है। तो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी से जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर लगभग 55 के आसपास आप लोगों को पढ़ाते हैं लोग, तो आप 55 से 55 के डाउट पूछ सकते हैं। तो योद्धा कोड का फायदा थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए मेरे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोर्स लेना है या आपका कोई दोस्त है तो अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी में कोर्स लेता है, तो उसके लिए योद्धा कोड लगाना बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि योद्धा कोड लगाने से उस कैटेगरी के सारे एडुकेटर से वो पढ़ सकता है, डाउट पूछ सकता है, इसका फायदा है। चलो, अभी आप लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण विषय कराने वाला हूं, लेकिन विषय की तरफ ले जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें रिवाइज करा देता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी। लेकिन उससे पहले बेटा थम्स अप करो जल्दी से, मेरे को थम्स अप करो मेरे बेटा। आपको सब कुछ क्लियर है अभी तक का? जल्दी से, ओके, बेहतरीन बेटा। ओके, क्लियर है अभी। बड़ा हैप्पी है आज जी, तुम्हारा नाम पढ़ के मेरे दिल में खुशी हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जरा उसके बारे में चर्चा करता हूँ। मैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे संधारित्र के संयोजन के विषय के बारे में पढ़ा दिया था ना, उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को संधारित्र के आधार पर प्रश्न भी करा दिए थे, इसका अभ्यास भी करा दिया था।
ठीक है, मुद्दे की बात सारी बता चुका हूं आपको। संधारित्र और वोल्टेज उसके सारे के सारे संबंध के बारे में भी बता दिया था, किस किस तरीके से चलता है। यानी आज जो मैं आपको करने वाला हूं, आज का महत्वपूर्ण विषय जो बेटा आपके लिए आता है वो होता है आवेशन और निरावेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक बात और बता दूं, कई बच्चे हमारे साथ जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जेईई के अंदर हर साल एक क्वेश्चन इस पे पक्का आता है। ये जो विषय है, ये विषय बेटा आपको संधारित्र में भी देखने को मिलेगा और यही विषय आपको प्रतिरोध पढ़ने में भी देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जेईई के एग्जाम में तो हर साल आता है, नीट में इसके चांस कम होते हैं, लेकिन जिस जिस वर्ष नीट में इस तरह का प्रश्न आया उस वर्ष रिकॉर्ड है। बच्चों ने कहा कि पेपर मुश्किल था, सिर्फ इसी तरह के प्रश्न को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से पढ़ना ताकि मजा आए पढ़ने में और पढ़ने के बाद चीजें समझ भी आए। ठीक है, तो पहले एक प्रश्न करवा देता हूँ, उसके बाद आगे चलूंगा। फिर मेरे बच्चों को बोल रखा है गुड आफ्टरनून बेटा। डॉक्टर आरुषि, चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, जो कि आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नीट पढ़ते टाइम हम इसको अलग से लेकर चलते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा विषय है ये। ठीक है बेटा, चित्रानुसार तीन संधारित्र श्रण केमी में 30 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं, तो इनका सबका आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश कितना है, दूसरे में कह रहे हैं 3 माइक्रो फेरेड पे कितनी ऊर्जा आ रही है, तीसरे में कह रहे हैं संधारित्र में कुल ऊर्जा कितनी है, चौथे में कह रहे हैं कि उत्पन्न ऊष्मा कितनी है। जरा सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। पहले वाले के लिए आपके लिए ऑप्शन दे देता हूं। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि इसमें से निकलने वाले आवेश का मान कितना है, ये आपको बताना है बेटा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं 30 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं मेरे बच्चे 30 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं बेटा 15 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं बेटा 20 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं बेटा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ तुम्हारे मुताबिक कौन सा उत्तर है। दीक्षा ने बहुत जल्दी आंसर करा, अच्छा लगता है जब बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करते हैं ना। इन मस्तों की बस्ती में, जीवन में इतने मस्त हो जाओ कि दुनिया तुम्हारे ऊपर एक कथन कह दे, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। सही बोला ना, चलिए बेहतरीन बेटा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, कई बच्चे कह रहे हैं ए तो कई कह रहे हैं बी। मेरे मुताबिक इसका उत्तर ए है, 30 माइक्रो कूलम है। जरा किस तरह से आया उसको समझना। मैंने कहा मेरा बेटा आपको भी पता है कि यहां से मान लीजिए क्यू आवेश निकला है, और Q का मान क्या होता है, C इंटू बी होता है। C कौन सा, नेट। तो सबसे पहले मेरे को तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी, जैसा कि प्रश्न में भी दिख रहा है मेरे को। ये कैसे है बेटा, क्रम श्रेणी में जुड़े हुए हैं। क्या मैं लिख सकता हूं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये पूरा 1/C नेट के बराबर है। तो मैंने कहा 1/C कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। मेरे बच्चे मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास सी नेट का मान आ रहा है 6 माइक्रो फेरेड, ये आ रहा है। और आप आसानी से लिख सकते हो, तो टोटल आवेश कितना आएगा, 6 माइक्रो फेरेड इंटू में 30 वोल्ट, यही आ रहा है आपके पास। हाँ, क्यू इज इक्वल टू CV होता है ना। आपने कहा भाई 180 माइक्रो कूलम आपके पास आवेश आ रहा है, और मुझे ये नहीं समझ आया कि तुम लोगों ने गलत कर कैसे दिया। ऑप्शन नंबर डी सही था बेटा। अभी भी विशाल कह रहे कि ए सही है, अभी भी विशाल कह रहे कि ए सही है, ऑप्शन डी सही है बेटा। थम्स अप करना जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि सबका गलत था, किसी का सही था ही नहीं यार। मुझे समझ नहीं आ रहा, रोजाना पढ़ा रहा हूं, रोजाना सिखा रहा हूं, रोजाना चला रहा हूं, फिर भी जाके गलत कर रहे।
ऐसे कैसे नीट बनेगा, पर बस पता नहीं लगा गलती हो गई। अब तो गलती हो गई, चल अगला चलते। मैंने कहा मेरे बच्चे आगे आपको पता है कि 30 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पूछी है, यानी इस वाले के ऊपर जितनी एनर्जी आ रही है बेटा वो आपसे पूछा गया है कितनी है। तो आपको पता है कि एनर्जी, ये दूसरे वाले का मैं सॉल्व कर रहा हूं, या आप सॉल्व करना चाहो तो दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं, यू 3 माइक्रोफेरेड वाले पे कितना है, ऑप्शन ए में कह रहा है मेरे बच्चे 540 माइक्रोजूल, ऑप्शन बी में कह रहे हैं मेरे बच्चे 270 माइक्रोजूल, ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं मेरे बच्चे 1080 माइक्रोजूल, ऑप्शन नंबर डी में कह रहे बेटा उपयुक्त में से कोई नहीं। लगाओ, मेरा फर्स्ट क्लास है डॉक्टर आरुषि, कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट क्लास है, मेरे को ये बताओ डॉक्टर आरुषि आपको पढ़ने में मजा आया अभी तक, बस इतना ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम के रास्ते में ये जानना जरूरी है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कानों तक और आपके जहन तक एक एक शब्द जाना चाहिए। बस जल्दी से करेंगे मेरे बच्चे। विशाल शांखाला आपकी भी नहीं है और लकी राज की भी नहीं क्लास, बढ़िया बेटा जल्दी से करो। प्रिंस ने कहा ऑप्शन नंबर बी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है देखकर कि मेरे बच्चे गलत कर, पहला प्रश्न जो आपने गलत किया ना सीधा दिल पे लग गया वो मेरे। जल्दी करो मेरे बच्चे, क्या आ रहा है तुम्हारे मुताबिक। सॉल्व करते हैं तुम्हारे मुताबिक क्या जा रहा है। अब आपको एक बात तो पता है बेटा कि ये सारे अगर सीरीज में है तो हर किसी के अंदर आपके चार्ज का मान इक्वल है, सबको पता है ये बात। मैंने कहा अगर चार्ज इक्वल जा रहा है, सबके अंदर समान आवेश जा रहा है, तो ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ क्यू वी। और आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर वी का मान कितना है, ये पता ही नहीं है। मैं एक और चीज बता देता हूँ, आपने एक और सूत्र पढ़ा होगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये सूत्र भी मेरे बच्चों ने पढ़ा है। आपको पता है कि क्यू का मान है 180 माइक्रोकूलम, यानी 180 इंटू 180 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम अपॉन में मैंने लिखा बेटा 2 इंटू सी का मान है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। ध्यान से देखो 3 माइक्रोफेरेड गिवन है इक्वेशन में, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, यार अभी भी तुम लोग गलत कर रहे हो यहाँ पर। आपने कहा 3 को इससे काटा 6 से, यानी 30 आ रहा है, 18 तीय 54, तो मैंने कहा बेटा 5400 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी आपने कहा लगभग 5400 माइक्रोजूल आ रहा है, उत्तर आ रहा है बेटा 5400 माइक्रोजूल। और आप कह रहे हो कि 540 किसी का सही नहीं है, और मेरे अकॉर्डिंग इधर भी ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे मुझको थम्स अप करो, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है प्रशांत कि आप बार बार ये आंसर लिख रहे हो और फिर भी गलत है, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। जल्दी से आपको ये समझ आ गया ना, थम्स अप चलेगा, चलेगा। अगला प्रश्न मैं कर देता हूं, तीसरे में आपको कह रहा है कि तुम्हें कुल ऊर्जा निकालनी है। अब की बार तीसरे में कह रहा है बेटा आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, यानी कुल ऊर्जा कितनी आ रही है वो निकालो। चलो बहुत बढ़िया, अगर सही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर आरुषि, अच्छी चीज है। आपने कहा बेटा कुल ऊर्जा कितनी, यहां पर आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या कहलाता है, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। हाँ
तो मैंने कहा Q का मान है 180 माइक्रोकूलम और V का मान है बेटा 30। ध्यान से देख ले, ये रहा, V भी पता है और Q भी पता है। सॉल्व करा मैंने बच्चे, सॉल्व करने के बाद 18 3 54 यानी 270, 2700 आ रहा है माइक्रो जूल। आपको ये चीज क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चल जाए। उसके बाद मेरी बात आती है यहां पर कि आपको बोला कि टोटल हीट कितना निकल रहा है, टोटल हीट कितना निकल रहा है। तो परिपथ में उत्पन्न उष्णा, इसको समझ नहीं आया मेरे बच्चे, सब कुछ तो क्लियर है। बेटा समझा क्यों नहीं? देख सब कुछ तो आसान है, आपको इतना तो पता लगा। ओए ये क्या हो गया बेटा? ये एक है, सॉरी गलती हो गई मुझसे पहले, ये एक है। ओए गलती हो गई, ये एक आएगा बेटा। देखो 1/2 + 1/3 + 1/6 एक माइक्रो फेरेड आएगा। कंसेप्ट मेरा सही था बट वो लिखने में मेरे से गलती हो गई। 30 माइक्रो कूलम, उत्तर नंबर ए सही था। हो जाती है कभी कभार, हो जाती है। 30 माइक्रो कूलम नेट चार्ज आ रहा था। अब आपको कह रहा है कि 3 माइक्रो फेरेड पे टोटल एनर्जी कितनी है? 3 माइक्रो फेरेड पे आने वाली एनर्जी का मान है बेटा, दैट इज कॉल्ड हाफ इंटू क्यू इंटू वी या Q² / 2C। कोई भी सूत्र लगा सकता हूँ धीरज बेटा, गलती हो गई यार मुझसे थोड़ा सा सॉल्व करने में। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कर लोगे, ये बच्चों वाली चीजें, कई बार बच्चों वाली चीजें गलत हो जाती हैं पर मुझसे हो गई। तो मैंने कहा कि आप यहां से लगा सकते हैं क्यू का मान कितना। क्यू आपको पता है 30 माइक्रो कूलम है, यानी 30 × 30/में सी का मान है बेटा 3। दूसरे वाले संधारित्र पे आने वाली स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए उसकी धारिता 3 है। मैंने कहा 3 माइक्रो फेरेड आ गया। आपने इसको सॉल्व करा, 3 × 10 = 5 यानी 150 माइक्रो जूल आपके पास उत्तर आ रहा था, 150 माइक्रो जूल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे में कह रहा है कि कुल ऊर्जा कितनी आ रही है। कुल ऊर्जा के लिए भी मैंने यही लगा दिया, हाफ इंटू क्यू इंटू वी सूत्र होता है। तो मैंने कहा यार हाफ इंटू क्यू इंटू वी के आधार पे तो 30 × 30, तो लगभग लगभग मेरे पास कितना जा रहा है बेटा, मेरे पास यहां पर उत्तर आ जाएगा 30 × 30 900/2 यानी 450 माइक्रो जूल। बेटा वो थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उम्मीद है कि आपने करेक्शन कर ली होगी। एक बारी मेरे को बता दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बारी क्लियर है ना मेरे बच्चे आपको? चलो अब चौथे वाले कंसेप्ट को देखना, चौथे वाला थोड़ा अलग है, यहां समझने की आवश्यकता है आपको। आपको बोला गया है कि अब की बार चौथे में कह रहा है कि ऊष्मीय उत्पन्न कितना आ रहा है। ऊष्मीय उत्पन्न का मतलब समझते हो? जैसे मैं समझा देता हूं आप लोगों का, यहां से एक संधारित्र है, पीछे से एक आवेश आ गया क्यू, इसकी धारिता थी C1। तो मैंने कहा कि पीछे से एक एनर्जी आ रही थी E और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है यानी C1 के अंदर जो ऊर्जा स्टोर हो रही है उसका मान है E2। तो आपने लिखा कि यहां पर जितनी भी ऊष्मा पैदा हो रही है यानी जितनी भी हीट आ रही है उस हीट का मान कितना। मैंने कहा E में से E2 को घटा देता हूं क्योंकि तो सारी की सारी ऊर्जा में से E2 ऊर्जा स्टोर हो गई और बाकी जो भी बची वो हीट बन के उड़ गई। तो ऊष्मीय ऊर्जा का कंसेप्ट आपको समझ आया क्या होता है? मैंने कहा बेटा इतना मेरे को समझ आ गया कि जो भी आपकी हीट एनर्जी आ रही है, जो भी मेरे बच्चों के लिए ऊष्मीय ऊर्जा आ रही है, उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। कुल ऊर्जा जितनी भी आ रही थी उसमें से जितनी ऊर्जा आपकी स्टोर हुई है, जितनी ऊर्जा स्टोर हुई है, स्टोर्ड एनर्जी, और जो भी दोनों का अंतर है वो असल में आपको बता रहा है
कि आपकी ऊष्मीय ऊर्जा कितनी है, और मुझे पता है कि मैं कुल ऊर्जा को इस तरह लिख सकता हूं क्यू इंटू वी, और जो ऊर्जा स्टोर हुई है उसका मान होता है हाफ सीवी स्क्वायर। तो क्यू कितना है 30 और वी कितना है 30, लेकिन ऊर्जा जो स्टोर हुई है, तो ऊर्जा असल में स्टोर हुई है, ये कौन सी एनर्जी है, ये असल में है टोटल स्टोर्ड एनर्जी। धारिता के प्रतिबद्ध जो भी ऊर्जा आती है वो स्टोर्ड ऊर्जा होती है, ये है 450। मैंने लिख दिया यहां पर 450 माइक्रो जूल है, तो उत्तर मेरे पास आ जाएगा मेरे बच्चे 450 माइक्रो जूल ऊर्जा जो है वो हीट में परिवर्तित हो गई। मुझे मेरे बच्चों से थम्स अप चाहिए सबसे कि ये समझ आ गया आपको, क्योंकि अब जो चलूंगा वो इसी के आधार पे नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। पहले ये क्लियर करो जल्दी से, मेरे हर बच्चे को ये क्लियर है ना, जल्दी से बताओ बेटा। चलो क्लियर। अब मेरे पास एक अलग टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड संधारित्र का आवेशन तथा निर्वेशन। इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। समझते हैं कि ये होता क्या है। मेरे सभी बच्चों को पता है, पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है बेटा, कैपेसिटर का मतलब और कुछ नहीं, कैपेसिटर वो एक वस्तु है जो आवेश को अपने अंदर स्टोर करती है। ये आपको पता है, जो आवेश को स्टोर करती है। अगर मैं अपनी भाषा में देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये एक इन्वर्टर की तरह काम कर रही है या किसी बैटरी की तरह काम कर रही है। बैटरी क्या करती है, बैटरी आपकी बिजली को स्टोर करती है, और जब आपकी बिजली जाती है तो वही बैटरी आपकी बिजली को डिस्चार्ज करती है। पहले वो चार्ज होती है फिर वो डिस्चार्ज होती है। ठीक आपके मोबाइल फोन की तरह भी ये काम कर सकता है कि आपका मोबाइल फोन क्या करता है, आपका मोबाइल फोन पहले चार्ज होता है, उसके अंदर बिजली स्टोर होती है, और जैसे जैसे वो चलता रहता है तो वो डिस्चार्ज होता है, वो बिजली को बाहर फेंकता है, उस बिजली को रूपांतरित करता है आप लोगों के प्रति। नहीं बेटा वॉइस तो एकदम ठीक आ रही है। बेटा वॉइस बेटा अंकित आप अपने मोबाइल की वॉइस बढ़ाओ, मैंने पूरी यहां से वॉइस एकदम सेट कर रखी है और हर बच्चे को सही आ रही है। देखो बेटा, बेटा कम तो नहीं है, मैं तो एकदम प्रॉपर कह रहा हूँ इसको, ये कम वॉइस नहीं है, वॉइस एकदम सही है। अगर आपके पास हेडफोन या ईयरफोन है तो उसको लगा लो, ईयरफोन लगा लो, वॉइस एकदम अच्छी आ रही है। ठीक है बेटा, चलो बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, मैंने कहा बैटरी की तरह काम कर रहा है, यानी पहले ये आवेश को स्टोर करती है, जब आवेश इसके अंदर आता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, काम आएगा। ऐसे कैसे हो रहा है बेटा, सभी बच्चों से अनुरोध है, देखो अब तो मैं वॉइस का कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा ठीक कर पाऊंगा, लेकिन अभी आप ईयरफोन लगा लो, सारे बच्चे ईयरफोन लगा लो। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें कहा कि जब आपकी बैटरी के अंदर या आपके संधारित्र के अंदर आवेश आता है तो मैं कहता हूं कि वो क्या हो रहा है, वो आवेशन हो रहा है, यानी वो चार्ज हो रही है, मतलब उसका आवेशन हो रहा है। लेकिन जब उसमें से आवेश जाता है, जब उसमें से आवेश जाता है तो वो क्या हो रही है बेटा, वो निरावेशन हो रही है, वो निरावेशन हो रही है, यानी वो डिस्चार्जिंग हो रही है। ये चीज मेरे बच्चों को समझ में आ चुकी है। अब एक चीज मैं नोट करके पहली बता देता हूं तो आपके काम में आ भी जाएगी। मान लीजिए मेरे बच्चे कि आप लोगों के पास एक धारिता थी, अगर आपका जो वो है संधारित्र है, अगर उस संधारित्र में आप चार्जिंग कर रहे हो तो चार्जिंग करते समय मैं कह सकता हूं आप अपने संधारित्र की धारिता को मतलब संधारित्र में आवेश के मान को बढ़ा रहे हो। ये चीज आपको पता लग गया, जब आवेश आता है तो आवेश का मान बढ़ता है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि आप लोगों की जब भी आप चार्जिंग होती है तो चार्जिंग होने से आपकी वोल्टता
वोल्टेज समझते हो ना, वोल्टता, तो वोल्टता में आप लोगों की वृद्धि होती है, ये चीज तो पता है। और जब भी आपकी डिस्चार्जिंग होती है तो धारिता के करस्पॉन्डिंग यानी संधारित्र में होने वाली वोल्टेज में आप लोगों की कमी आती है, ये चीज आप लोगों में क्लियर होनी चाहिए, तो आगे भी काम आती है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपके 12वीं क्लास के पेपर में कि जब चार्जिंग हो रही होती है तो वोल्टता में वृद्धि आती है और जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो आवेश जाता है, आवेश जाएगा तो वोल्टता कम होगी, ये चीज आपको सबको क्लियर है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर एक डायग्राम दे रखा है, एक परिपथ दे रखा है, उस परिपथ में आप लोगों ने RB लगाया है और उस परिपथ में आप लोगों ने CB लगाया है, और आगे ध्यान से देखो कि तुम लोगों का एक की है, इसको कहते हैं हिंदी भाषा में खटका। पहले क्या होता था, पुरानी भाषा में लोग कहते थे ये पंखे का खटका ऑन करियो, स्विच, इसको स्विच कहते हैं, ठीक है, ये स्विच समझ आ रहा है। अब मैंने तुमको कहा कि मान लो तुमने यहां पे अपने इस वाले को क्लोज कर दिया, यानी इसको इससे जोड़ दिया, जब इसको इससे जोड़ दिया तो जाहिर तौर पे मेरे बच्चों को पता है कि अब इसमें आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जैसे ही परिपथ पूरा होता है आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इसमें आवेश का प्रवाह शुरू होगा तो शुरू में क्या होगा बेटा, जैसे ही एक को क्लोज करा, एक को क्लोज करते ही आपके आवेश का प्रवाह शुरू हो गया, तो आवेश के प्रवाह शुरू होने से क्या होगा, कुंजी एक, लिख लो ये बात, कुंजी एक को बंद करते ही, कुंजी एक को बंद करते ही आवेश का प्रवाह शुरू हो गया, आवेश का प्रवाह स्टार्ट हो गया, और जब ये आवेश का प्रवाह स्टार्ट हो गया तो मुझे पता है कि वहां पर क्या होगा, आपके संधारित्र का आवेशन होना शुरू हो जाएगा, तो यानी क्या होने लग जाएगा बेटा, आपके संधारित्र का आवेशन होने लगेगा, संधारित्र में आवेशन होने लगेगा, ये मेरे बच्चे को सबको पता लग गई है, इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं है। जब आवेशन होगा तो किसी ना किसी समय पर, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, आवेशन होगा तो जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आवेश भी स्टोर होता रहेगा, भाई 1 सेकंड में इतना आवेश स्टोर हुआ, 2 सेकंड में इतना हुआ, 3 सेकंड में इतना हुआ, 4 सेकंड में इतना हुआ, इस तरीके से आवेश भी बढ़ता रहता है। तो आवेशन होने की जो प्रक्रिया है, मैं जानता हूं कि ये समय पर निर्भर करती है, ऑब्वियसली करती है, मैंने कहा ये समय पर निर्भर कर रही है या करती है, कुछ भी कह लो, बिल्कुल हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये समय पर निर्भर करेगी तो ऑब्वियसली इसका एक समीकरण आता है, कैसे आता है मैं अभी बता दूंगा तुमको। तो टी समय बाद संधारित्र में उपस्थित या स्टोर्ड, कुछ भी कह लो, संधारित्र में जो स्टोर्ड आवेश होगा उसका मान होता है बेटा 1 माइनस में ए की पावर -T/RC। जहां पर आर क्या है, जहां पर आप लोगों का आर क्या है बेटा, जहां पर आपका आर जो है वो है आपका प्रतिरोध, और जहां पर सी जो है वो है बेटा आपका संधारित्र, और जहां पर बेटा आपका टी जो है वो है आपका समय, और क्यू नॉट क्या है, ध्यान से सुनना, अभी तुमको सब क्लियर हो जाएगा, अभी तो इसको रटना है। क्यू नॉट कहलाता है मैक्सिमम यानी अधिकतम आवेश कितना आ सकता है, अधिकतम आवेश कितना आवेश आ सकता है अधिकतम, वो है क्यू नॉट, और क्यू क्या है, टी समय के बाद जो आवेश आ रहा है, आवेश किसके बाद, आवेश टी समय बाद। आपको समझ में आ रहा है, यानी चार्ज होने पे आपके संधारित्र में कितना आवेश आ चुका है वो है क्यू। तो इस समीकरण के मुताबिक हम आने वाले आवेश का मान ज्ञात करते हैं अपने संधारित्र में। अब समझना क्या है, सबसे बड़ी बात मेरे पास आती है कि अगर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं तो मेरे पास एक टर्म आती है बेटा जिसको कहते हैं समय नियतांक, एक टर्म आती है मेरे पास जिसको मैं कहता हूं मेरे बच्चे समय नियतांक। समय नियतांक को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट का जो सूत्र है या उसकी जो मात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी RC है। यानी प्रतिरोध को जब आप अपनी संधारित्रता से या धारिता से गुणाफल करते हो तो आपके पास एक टर्म आती है जिसको कहते हैं समय नियतांक, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, अभी मैं डेरिवेशन सब करा दूंगा, पहले मैं इसको नीट के लिए पढ़ा देता हूँ,
नीट के लिए पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे चलू। तो अभी मैंने तुमको क्या कहा मेरे बच्चे, तुम लोगों का जो समय है, मान लो अगर आपके समय का मान जो है वो आरसी के बराबर ही है, अगर आपके समय का मान आरसी के बराबर ही है तो आपके क्यू का मान क्या होगा? आपने समीकरण में क्या करा, 1 माइनस ई की पावर माइनस आरसी अपॉन आरसी लिख दिया। ई की जगह बेटा, ई की जगह ऊपर आपने आरसी लगा दिया, इस समय का मान आरसी के बराबर आ रहा है। जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास आ रहा है क्यू नॉट इंटू 1 माइनस में ई की पावर माइनस 1। मैंने इसको सॉल्व करके लिखा 1 माइनस 1 अपॉन ई, और जब इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो मेरे पास आएगा क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई का मान होता है, 1 अपॉन ई का मान होता है 0.37। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, नीट की तैयारी कर रहे हो, इतना आना चाहिए। अभी रट लो इसको, जिंदगी भर रटा होना चाहिए आपको। 0.37 तो मेरे पास लगभग आ रहा है 0.63 ऑफ क्यू नॉट। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, 0.63 ऑफ क्यू नॉट का मतलब क्या है? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 63% ऑफ क्यू नॉट, या अपनी स्पष्ट मात्रा में लिखना चाहूं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक को अगर परिभाषित करना चाहता हूं तो क्या है, मैंने कहा यह वह समय है, यह वह समय है जिस पर संधारित्र में, ध्यान से सुनो, जिस पर संधारित्र में 63% ऑफ अधिकतम आवेश, 63% ऑफ अधिकतम आवेश, अधिकतम आवेश का 63% स्टोर होता है। समझ में आ गया बेटा? टाइम कांस्टेंट वह समय है जिस पर संधारित्र के अंदर आने वाले आवेश का मान 63% होता है उसकी अधिकतम मात्रा के, ये वह समय है। यहां तक मेरे बच्चे एक बारी मेरे को थम्स अप करो, यहां तक एक बारी थम्स अप करो, क्लियर है? जल्दी से तो मैं आगे चलूंगा। रविंद्र शर्मा, हाँ कराऊंगा ही ऑब्वियसली, और मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा, पहले ये टॉपिक पढ़ लो सभी बच्चे, आज बच्चे कम है, मुश्किल टॉपिक जब आता है तो बच्चे कम ही रहते हैं। राजकुमार क्या समझ नहीं आया वो बताओ। चल अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, आपने समीकरण देखा, राजकुमार पहले आप बताओ बेटा आपको समझ क्या नहीं आया, सब कुछ क्लियर है? दोबारा से सुनो, मैंने कहा कि जो आपके संधारित्र के अंदर आवेश का मान स्टोर होता है उस आवेश को बेटा इस समीकरण के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है? और यहां पर इसी समीकरण के आधार पर मैंने एक और मात्रा डिफाइन करी, मैंने कहा एक और तुम्हारे पास विषय आता है या एक टर्म आती है जिसको कहते हैं समय नियतांक यानी टाइम कॉन्स्टेंट, उसका सूत्र होता है आर इंटू सी। आपने क्या करा, पीछे वाली समीकरण के अंदर टी की जगह आरसी पुट कर दिया। अब आपने आरसी पुट करा और कॉपी में उसको सॉल्व करा बेटा, तो कॉपी में सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि आपके जो स्टोर्ड आवेश का मान है यानी जो आवेश संधारित्र में जाके बैठ गया, स्टोर हो गया, उसका मान आ रहा है 63% ऑफ क्यू नॉट सॉल्व करने के बाद। तो मैंने कहा कि जो आप लोगों का टाइम कॉन्स्टेंट है, समय नियतांक है, वह समय नियतांक वह समय है जिस समय पर आपकी अधिकतम मात्रा का 63% आवेश जाकर स्टोर हो जाता है। बस तो ये 63% आवेश जाकर जिसमें स्टोर हो गया वह अधिकतम मात्रा है आपकी, ये तो उस समय को हम कहते हैं समय नियतांक। अब आ गया बेटा, क्लियर होना चाहिए। अब मेरी बात आती है, अगर मैं इसके ग्राफ को देखूं, आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टोर होने वाले आवेश का मान भी बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आवेश भी बढ़ रहा है। तो ये आवेश का जो मान है वो समय के साथ ग्राफ पर प्लॉट कर रखा है, और उसके ग्राफ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि समीकरण के अंदर ई आ रहा है, ई का ग्राफ ऐसे बनता है। तो मैंने देखा कि जब मेरे t is equal to rc का मान मैं देखूंगा तो उस
टाइम पर आने वाले आवेश का मान कितना, इतना। तो मैंने ये ग्राफ बनाया और कुछ नहीं करा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात आती है, ये सब आपको क्लियर है। कुछ इसके बारे में चीजें और बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप लोगों को पूछा जाता है कई बार कि उस समय पर आने वाली वोल्टता कैसे निकालते हैं। तो आवेशन के दौरान, आपको बोला बेटा, आवेशन के दौरान आप लोगों की वोल्टता कैसे निकलती है, वो भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन अभी बता दूंगा। आवेशन के दौरान वोल्टता कैसे निकलती है, यानी वोल्टेज कैसे निकलती है आपकी, तो उसका फॉर्मूला होता है V is equal to V naught into 1 minus e की पावर माइनस टी बाय आर सी। बस Q की जगह आपने V लगा दिया। अब ये कैसे आया सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए समझ कर चलना है। ये आपका सूत्र है जो कि मेरे बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद मेरी बात आती है यहां से, कि आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी, उसके बाद आता है अगर आपको धारा निकालनी हो कि आवेशन के दौरान धारा का मान कैसे होगा, धारा का मान आवेशन के दौरान किस समय पर कितनी धारा बह रही है वो आपको पता होना चाहिए, वो भी सूत्र है। तो उसका मान होता है बेटा I into I naught into e की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये इसका सूत्र है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये सूत्र कैसे कैसे हैं, आपको ये याद रखने हैं। यहां तक था बेटा आपका नीट, यहां तक था आपका नीट। अब आएगा बेटा आपका 12वीं क्लास कि इसकी डेरिवेशन कैसे आती है। तो नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ इनको याद करना है, लेकिन अगर 12वीं क्लास की बात करो या अपने जिज्ञासा की बात करो तो आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। मैं बता देता हूं कैसे होता है, बट उससे पहले कुछ पढ़ाना पड़ेगा। ई ई कहां पे कह रहे हैं बेटा, ये होता है बेटा एक्सपोनेंट, याद रखना है आपको कि जो होता है ई को कहते हैं एक्सपोनेंट। आपने सुना होगा एक्सपोनेंट के बारे में शायद से पहले, ई कहलाता है बेटा आपका एक्सपोनेंट। ये होता है मतलब जैसे लॉग, आपने सुना होगा लॉग, टेन, साइन, ऐसी एक और फंक्शन होता है, फलन होता है, जिसको कहते हैं ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है, अब सुनना आगे क्या चल रहा है। इनको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा विषय आपके साथ चर्चा में लाना चाहूंगा। उस विषय का मान आता है मेरे बच्चे, जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टता नियम। किरचॉफ्स नाम का एक बंदा था जिनने इस विद्युत क्षेत्र में या धारा के क्षेत्र में अपना काफी बड़ा एक नियम दिया, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टता नियम। किरचॉफ्स वोल्टता नियम क्या कहता है कि किसी भी, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी परिपथ में तुल्य वोल्ट शून्य होता है, बस इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना कभी भी जिंदगी में। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ लेना बहुत है, तुम्हारा नीट आराम से आ जाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा आपके पास एक प्रतिरोध है, आपके पास एक और प्रतिरोध है, और इन दोनों प्रतिरोध को तुमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। तो मैंने आपको भी पता है कि बैटरी के कारण इसमें से आपका क्या जाएगा, करंट बहेगा। मैंने प्रतिरोध का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ा है तुमने, इस V के कारण एक धारा प्रवाहित होगी और वो धारा दोनों में ही समान प्रवाहित होगी। इस प्रतिरोध का मान R1 है, इसका मान R2 है, और धारा जो आ रही है वो कितनी आ रही है, I आ रही है। मैंने कहा यहां पर भी I बहेगी, यहां पर भी I बहेगी, और इस प्रतिरोध के अंतर्गत या इस प्रतिरोध में आने वाली वोल्टता या पैदा होने वाली वोल्टता का मान है V1, और इसमें जो वोल्टा अधिक है वो V2 है। मैंने मेरे बच्चों को कहा V1 क्या है, V1 है आपकी R1 के अधीन वोल्टता, जो R1 के अधीन आपकी वोल्टता पैदा हो रही है वो है आपकी R V1,
और V2 है R2 के अधीन जो वोल्टता पैदा हो रही है वो V2 है। तो बेटा किरचॉफ्स का नियम क्या कहता है? किरचॉफ्स का नियम कहता है कि ये जो V है ये V1 प्लस V2 के बराबर है। किरचॉफ्स ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मेरे को एक बात तो पता है ना, यही वोल्टता जाकर दोनों में विभाजित होगी, एक में V1 एक में V2, और दोनों का अगर योग करता हूं तो वो तुल्य वोल्ट के बराबर आता है। इतना समझा क्या? इसको घुमाकर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुन, इसको घुमाकर मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, V माइनस में V1 प्लस V2 और ये किसके बराबर है? शून्य के। तो मैंने कहा पूरे परिपथ को देखो, आप पूरे परिपथ को देखो, और पूरे परिपथ को देखने के बाद आपको इतना समझ में आ रहा है कि भाई V में से V1 प्लस V2 घटाऊंगा तो मेरे पास शून्य है, और पूरे परिपथ के अंदर आपकी सारी वोल्टता का जो योग है वो शून्य है। तो मैंने कहा सारी वोल्टता के योग को तुल्य वोल्ट कहता हूं। क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को कि किरचॉफ्स का दूसरा सिद्धांत या वोल्टता सिद्धांत आपको बताता क्या है? मेरे को थम्स अप करो सर। आई के मान में टी की जगह आरसी आई के साथ अभी रख देता हूं, डर मत, रुक जा, अभी कर देता हूं। पहले मेरे बच्चे मेरे को ये बताओ, किरचॉफ्स का वोल्टता नियम आपको समझ आया क्या कह रहा है? लकी बेटा एक बारी थम्स अप किया करो आप, ठीक है? राजकुमार कह रहा है V0 क्यों होगा? बेटा V0 अधिकतम मात्रा है, ये है अधिकतम वोल्टता। और आपने जो मेरे से अभी पूछा, शायद से ये पूछा कि वी जीरो क्यों होगा? बेटा वी इसलिए जीरो होगा, ध्यान से सुन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि यहां पर एक V1 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है। मान लो इसका मान था पांच, यहां पैदा हुई है 2 और यहां पैदा हुआ है 3, ऑब्वियसली। तो मैंने कहा ये 5 कैसा आ रहा है? 2 प्लस में 3 के बराबर आ रहा है ना, और 5 में से अगर मैं 2 प्लस 3 घटा देता हूं तो शून्य हो जाएगा। तो पूरे परिपथ की अगर निकालनी है तो पूरे परिपथ की निकालने के लिए टोटली तो करना पड़ेगा, एक ये और पीछे से घूम कर आए तो ये। अब इसको ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, जिसको समझ आ गया बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आया वो दोबारा सुनना। इसको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया तुम्हें, इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, फिर भी कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत बताने की। मैंने कहा बेटा तुम शुरू कर रहे हो मान लो R1 से, सबसे पहले आपने R1 की वोल्टता लिखी V1, आगे आप आए, आगे आने के बाद आप पहुंचे V2 पे, V2 की वोल्टता V2 I into R2 लिखा, आगे आप चल रहे हो और इसकी बैटरी के नेगेटिव पार्ट से यानी ऋणात्मक वाले हिस्से से आप टकरा रहे हो, और जब आप ऋणात्मक वाले हिस्से से टकराओगे तो जाहिर तौर पर क्या होगा? आपने कहा जाहिर तौर पे आप लोगों का माइनस वी आएगा और ये पूरा शून्य के बराबर है। तो किरचॉफ्स का नियम कैसे लिखना है? किरचॉफ्स का नियम लिखते समय हमेशा आप R1 से शुरू करोगे या कोई भी मात्रा है बैटरी से अगली मात्रा से शुरू करोगे, सबकी वोल्टता को प्लस करते करते बैटरी के ऋणात्मक हिस्से से टकराओगे, लास्ट में माइनस वी लिख देना। यह इसका नियम है, बाकी डिटेल पढ़ाऊंगा दूसरे चैप्टर, अभी बस इतना। अब मेरी बात आती है कि अब तुम्हारे पास एक सर्किट है, सर्किट के हिसाब से आगे चलूंगा और अब सुनना क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक परिपथ है, उस परिपथ में एक तरफ प्रतिरोध है, एक तरफ बेटा तुम्हारी बैटरी है, और उधर उस परिपथ से निकलने वाली संधारित्र भी इसी के अंदर कनेक्टेड है, जिसका प्रतिरोधक है R और इसकी धारिता है C, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो है E वोल्टेज बैटरी का है। E क्या है बेटा? E है आपका वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, यानी आपकी बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है? बाकी चीजें आपको पता है कि R और C क्या है। R है आपका प्रतिरोध और C क्या है बेटा? आपका संधारित्र है। ध्यान से समझना, आपको सारी चीजें एक ही दम से क्लियर हो जाएगी। तुम्हें मैंने कहा कि इसके अंदर किरचॉफ्स का नियम लगाओ, इसके अंदर आप लोग किरचॉफ्स का वोल्टेज सिद्धांत लगाओ क्या कह रहे हैं। मैंने आप सभी को बताया बेटा वोल्टेज सिद्धांत लगाते हुए आपको बैटरी से अलग वाले से चलना है। मान लो यहाँ वोल्टेज पैदा हो रहा है V1, यहाँ हो रहा है V2, ठीक है?
आपने मुझे कहा वी वन प्लस वी टू जो है वो वी के बराबर होगा, आपको पता है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे बच्चे कि v माइनस में v1 प्लस v2 जो है वो शून्य के बराबर है, और मैं जानता हूं कि v1 का मान कितना है मेरे मेरे v1 का मान क्या है q by c, मान लो इसमें से बहने वाली धारा का मान है q, आवेश आवेश निकल रहा है q और धारा निकल रही है i, आवेश आ रहा है q, धारा आ रही है i, ठीक है, और इसके अंदर जो पैदा हो रहा है मैंने कहा v1 हो जाएगा q by c, Q is equal to CV, और बेटा मेरे V2 कितना हो जाएगा, आपने यहाँ पर लिखा मेरा V2 हो जाएगा I, धारा आ रही है I into R, क्या मैं स्पष्ट रूप से ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने कहा आप बिल्कुल इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं E minus में Q by C minus में I R is equal to 0, मैंने कहा E minus में Q by C is equal to I R लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, कोई दुविधा थोड़ी है यार, बच्चों वाली बातें कर रहा हूं मैं यहां पे, मैंने कहा आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो EC माइनस में Q अपॉन में CR इज इक्वल टू I, ये मान लो पहला समीकरण आ गया, इधर तक क्लियर है, जल्दी से थम्स अप कर, यहां तक क्लियर है आपको, चलो यहां तक क्लियर है, आगे सुनना, अब मैंने क्या कहा, अब की बार तुम इसी को तोड़कर ऐसा लिख सकते हो, अब की बार मेरे बच्चे इसको तोड़कर ऐसा लिख सकते हो इसी माइनस में q अपॉन में सी आर इज इक्वल टू आई की जगह लिख दिया dq by dt, तो दिया यार कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैंने इसी को मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, यहां लिखा इसी को मॉडिफाई करके बेटा ऐसे लिख दिया मैंने कि आप लोगों का इसी माइनस में q अपॉन में cr इज इक्वल टू dq बाय dt आपकी समीकरण आ रही थी, मैंने इसको ऐसा लिख दिया कि dt अपॉन में cr इज इक्वल टू dq अपॉन में ec माइनस में q, दोनों तरफ समाकलित कर सकता हूं क्योंकि दोनों तरफ मेरे पास अवकलित मात्रा है, जब समाकलित करूंगा तो क्या आएगा e by cr is equal to, आपको मैंने समाकलन बता रखा है, इसका समाकलन कैसे आएगा वो भी लिख रहा हूं, माइनस ऑफ log ec minus q plus log of ec, अब इतना मैं सबको कहना चाहूंगा e कैसे आया, दीक्षा सिंह e बैटरी का वोल्टेज है बेटा, ठीक है बैटरी का वोल्टेज है जो आपको गिवन है, क्या बेटा बैटरी का वोल्टेज है जो आपको गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है, आपने मुझे कहा पूरे को सॉल्व करा, समाकलन मेरे हर बच्चे को आना चाहिए, देखो समाकलन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो बच्चा नया है मैं कहना चाहता हूं बेटा इसी चैनल पे सबसे पहले मैंने गणित पढ़ाई थी जो भौतिक क्षेत्र में उपयोगिक है, तो पहले आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ e by cr is equal to log of EC minus में log of EC minus Q, और log A minus B का formula होता है भाई E by CR is equal to log A by B, क्या मैं लिख सकता हूँ EC by EC minus में Q, हाँ ये लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चलो क्लियर है, अब जरा मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ ध्यान देंगे, आपने कहा जब यहां से log हटाऊंगा तो मैं वहां पे लिख सकता हूं कि EC upon में EC minus में Q is equal to e की पावर t by RC, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि EC is equal to या EC minus में Q upon में EC is equal to e की पावर minus t by RC, दोनों तरफ मैंने उल्टा कर दिया, जब दोनों तरफ उल्टा करो तो देखो यहां मैंने माइनस लगा दिया, e की पावर में ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, अब की बार मैंने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहां पर सॉल्व करने के बाद आ रहा है EC माइनस में Q इज इक्वल टू EC इनटू E की पावर माइनस T बाय RC, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू EC माइनस में EC माइनस EC इनटू T की पावर माइनस RC, मैंने Q का मान सॉल्व किया, Q का मान सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है EC कॉमन ले लो 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC,
ये मेरे पास एक समीकरण आ रही है लास्ट में, ठीक है, जिस समीकरण को आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है रटने की, सॉरी डेरिवेशन को, फिर भी मैंने आपकी संतुष्टि के लिए वो डेरिवेशन बता दी बेटा कैसे आती है, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता है ना, भाई क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो मैंने कहा यार क्यू इज इक्वल टू सी वी मतलब मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू कितनी आ सकती है। आपने कहा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, लेकिन अधिकतम मात्रा को क्यू नॉट लिखता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन की माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, खत्म। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई, पहली समीकरण आ गई, यस करके लिखो जल्दी से, समझ आ गया बेटा। आपको एक बात पता है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी, जो आप लोगों का प्रतिरोध के अधीन जो भी वोल्टता आती है उसका फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने वही सूत्र लगाया बेटा अंकित, कि V2 जो है वो आई आर के बराबर है। अंकित बेटा जल्दी से, क्लियर है मेरे सभी बच्चों को? एक और मैं इसी के बाद कराता हूं, जैसा कि मेरे सभी बच्चों को पता है आपका आई और कुछ नहीं वो होता है डी क्यू बाई डी टी। तो ऊपर वाले समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। हाँ लिख तो दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसी इंटू में माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू वन बाय आर सी। आप इसको सॉल्व करना तो जानते हैं ना, इसको सॉल्व करना तो जानते हैं, क्यू नॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा, अवकलन सबको आना चाहिए, ठीक है। सी से सी काटो, आपके पास क्या बच रहा है, ई बाय आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये आपका बच रहा है, ये क्या आ रहा है आई। और आपको भी पता है कि आई नॉट क्या है, अधिकतम मात्रा क्या है, ई बाय आर है ना, मैंने कहा V2 इज इक्वल टू आई आर है। तो बेटा अधिकतम मात्रा क्या हुई आई की, अधिकतम मात्रा होगी V2 बाय आर, V2 की जगह लगा दिया E बाय आर, ये आपको पता लग चुका है बच्चों वाली बातें। तो आपने कहा ठीक है, अभी मैंने आई नॉट लगाया यहां पर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, खत्म। तो मैंने करंट का सूत्र जो आपको लिखवाया था वो इसी आधार पर आया था। अब इसी तरीके से मैं यहां भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये मान लो पहली समीकरण है, ये मान लो दूसरी समीकरण है, तीसरी को मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो आपको पता है बेटा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी है, मैंने क्यू नॉट क्यू को लिख दिया ई इंटू सी, क्यू को मैंने लिख दिया ई डैश कह लो या ई कह लो चलो, और क्यू नॉट को लिख दिया ई नॉट इंटू सी, दोनों में फर्क है, E कह लो या V कह लो कुछ भी कह लो, एक ही बात है, जो फाइनल वोल्टेज आपकी आ रही है वो फाइनल वोल्टेज है V, और जो प्रारंभिक वोल्टता थी अधिकतम मात्रा वो V नॉट है। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, सी से सी काट दो दोनों तरफ, बचा क्या V इज इक्वल टू V नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये सूत्र बनते हैं आपके, और कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया, याद रखेंगे जरूरी है, ये आपका तीसरा सूत्र आ गया। तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं, और इनके आधार पे कई चीजें आती हैं। ये मैं एक बात और बता देता हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया मेरे बच्चे आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होता है, तो मैंने कहा मान लो कि टी इज इक्वल टू आर सी पर आपके आई का मान क्या होगा निकालो, जिसको मैं समय नियतांक भी कहता हूँ, जिसको मैं समय नियतांक भी कहता हूँ। तो मैंने तुमको कहा भाई बहुत आसान है, आपको ये बताना है कि टी इज इक्वल टू आर सी पे आई का मान क्या होगा। आपने यहां पर लिखा ई नॉट इंटू माइनस आर सी अपॉन आर सी, ये पूरा कट गया, तो मैंने लिखा इसका मान आ जाएगा ई नॉट इंटू वन बाय ई। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1/e का मान होता है 0.37। तो यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कैसे होगा, मैंने कहा इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो एक चीज ध्यान देना, आप समीकरण देख रहे हो और समीकरण में देखने मात्र से यह बात पता लग रही है मुझे कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आई कम, यहां ऋणात्मक चिन्ह है ना,
अगर समय को बढ़ाता हूं तो आई कम होगा। मुझे इतना समझ में आ चुका है मेरे बच्चे कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आई कम होगा। और ग्राफ कैसे चलेगा? एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ई का उपयोग हो रहा है। ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर इक्वेशन में ई का उपयोग आ रहा है तो वहां पे ग्राफ कैसा? एक्सपोनेंशियल। तो आई और टी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली अगर मैं बनाता हूं तो वो ऐसे बनता है, यानी समय बढ़ता जा रहा है लेकिन आई का मान कम होता जा रहा है। और जब टी इज इक्वल टू आर सी की मैं बात कर रहा था, ये वाला मात्रा, तो यहां पर आपके आई का मान कितना था? 0.37 ऑफ आई नॉट, अधिकतम मात्रा के सिर्फ 37% आपकी मात्रा थी। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके आधार पे प्रश्न करवा देता हूं तो चीजें समझ में और आएंगी। आपको बोल रहे बेटा, एक संधारित्र है 20 ओम के प्रतिरोध के साथ 36 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। संधारित्र के सिरों पर 2 माइक्रो सेकेंड में विभांतर 12 वोल्ट हो जाता है, तो संधारित्र की धारिता का ज्ञात करो। आपको बोल रहे बेटा प्रश्न के अंदर ध्यान से सुनना, आपके प्रतिरोध की मात्रा है 20 ओम, आपको समय भी दे रखा है यहां 2 माइक्रो सेकेंड, और आपको बोला गया है कि तुम लोगों को सी का मान पता करना है। अगर तुम्हारी विभव जो है वो बढ़कर 12 वोल्ट हो गया, और अधिकतम विभव कितना है बेटा? आपके पास परिपथ कुछ ऐसा है, ये आपका परिपथ है। इस परिपथ के अंदर आप लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट करी है बेटा, और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 36 वोल्ट है। इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा जैसे जैसे प्रवाहित हो रही है वैसे वैसे आपकी कैपेसिटर जो है वो आवेश होता जा रहा है, चार्ज होता जा रहा है। एक समय पे आपके इस कैपेसिटर यानी संधारित्र का जो वोल्ट हो गया वो 12 वोल्ट हो गया, तो उसमें लगने वाले समय का मान है 2 माइक्रो सेकेंड। तो तुम्हें कह रहा है कि इसकी धारिता का ज्ञात करो। अब स्पष्ट तौर पे आपको पता है कि अधिकतम मात्रा कितनी है बैटरी की? 36 वोल्ट है। और आपको सूत्र भी पता है बेटा, V इज इक्वल टू V नॉट इनटू 1 की पावर, क्योंकि यहां पर आवेशन चल रहा है। आपने कहा भाई 36 इज इक्वल टू, सॉरी 12 इज इक्वल टू में 36 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर की जगह 20 और सी की जगह सी लिख दिया। मैंने इसको सॉल्व करा बेटा, सॉल्व करने के बाद आ रहा है ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, यानी 2 अपॉन में 20 इंटू सी टू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3। समझ आ गया होगा मेरे बच्चों को। और इसको सॉल्व करने के बाद मैं आसानी से अपने मात्रा का प्रकट कर सकता हूं, और मेरे पास इसका मान आएगा e की पावर 1/10 इंटू सी इज इक्वल टू में 3/2 या 10 की पावर माइनस 6 कर लो। तो मैंने इसको सॉल्व करा, मैंने कहा बेटा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 सी इज इक्वल टू में लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2 है रहे। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके सी का मान आ जाएगा। मुझे आपकी तरफ से थम्स अप चाहिए, जल्दी से बेटा, जल्दी से थम्स अप करेंगे मेरे बच्चे। नीट में एमबीबीएस का सफर, नीट से एमबीबीएस का सफर, नाम तो बड़ा एंटीक रख रखा है तुमने। जल्दी मेरे को बताएंगे आपको समझ आ गया ना, तो मैं आगे चलता हूं। चलो बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को समझ आया। और इधर सी का मान लिख देता हूँ कितना आ रहा है। सी का मान आपका आ रहा है 0.25 माइक्रो फेरेड। ठीक, इसी तरीके से एक और प्रश्न है आप लोगों के लिए। अब की बार ये तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारे पास एक परिपथ है, ध्यान से सुनना प्रश्न में क्या कह रहा है। तुम्हें कह रहा है बेटा ये तुम्हारे पास एक परिपथ है, और इस परिपथ के अंदर इस बैटरी का मान जो है वो ई वोल्ट है, इस प्रतिरोध का मान है आर वोल्ट, यहाँ पे सी है, यहाँ सी है, इधर से आई करंट जा रहा है, और इनके अंदर करंट जो आ रहा है वो है I1 और वो है बेटा I2।
तो तुम्हें बताना है कि I1 और I2 का मान कितना है, किसके समय के संबंध में। ये तुमको कह रहे बेटा समय के संबंध में I1 और I2 का मान कितना है वो तुमको बताना है। प्रश्न समझ आया? एक बार ही मेरे को यस लिखना। थोड़े बच्चे अगर पूरा ही तो सॉल्व करा है, इससे ज्यादा सॉल्व क्या होगा, ये तो सॉल्व कर लो यार। आप मेरे को पहले ये बताओ बेटा आपको समझ आ रहा है, यस करके लिखना। प्रश्न समझ आ गया आपको? एक परिपथ गिवन है, उस परिपथ में बैटरी है, प्रतिरोध है और कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा है। तो तुम्हें बोला जा रहा है यहां पर कि I1 और I2 का मान कितना होगा वो बताओ। यस करो तो मैं आगे चलूंगा। माई स्पेशल माई बेस्टी, हेलो ब्रदर, चलो क्लियर है। अब सुनो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक क्या बोलते हैं कंसेप्ट समझा देता हूं, नोट करके लिखना बेटा। मैंने तुम्हें अभी अभी एक सूत्र बताया है, टाइम कांस्टेंट। मैंने सभी बच्चों को बताया बेटा समय नियतांक क्या होता है। समय नियतांक और कुछ नहीं, आर इंटू सी होता है ना बेटा, आपने कहा आर इंटू सी होता है। अब समय नियतांक आर इंटू सी है, तो इसको जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये होता है आर नेट इंटू सी नेट। जैसे मैं तुमको बोल देता हूं, तुम्हारे परिपथ के अंदर बहुत सारे प्रतिरोध और बहुत सारे संधारित्र हैं, तो उन संधारित्र और उन प्रतिरोधों का जो तुल्य मात्रा आती है उनका गुणाफल होता है टो। तो यही सूत्र मैं यहां लगाऊंगा। मैंने कहा अगर मैं इसको समझता हूं तो बहुत आसान चीज मेरे को क्लियर हो गई है। आपको पता है बेटा कि इस पूरे परिपथ के अंदर आर नेट का मान कितना है, आपने लिखा इसके अंदर आर नेट तो आर ही आएगा क्योंकि एक ही है, लेकिन बेटा तुल्य धारिता कितनी आ रही है, ये दोनों कैसे हैं सामान्य श्रेणी में है, ये दोनों कैसे हैं सामान्य श्रेणी में, पैरेलली कनेक्ट है, तो तुल्य धारिता हो जाएगी 2C, सी प्लस सी। तो आपके टॉ का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपने कहा आप लोगों का जो टॉ का मान होगा, या फिर मैंने कहा जो आप लोगों का टॉ आ रहा है वो हो जाएगा आपकी बार आर इंटू 2C। मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने कहा अब जो सूत्र बनेगा ना इसी आधार पे वो सूत्र बदल जाएगा, वो सूत्र आपका होगा Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई 2 RC। थम्सअप करना, ये चीज समझ आ गई है, एक बार ही थम्सअप करना बेटा, ये चीज समझ आ गई है मेरे बच्चे को, जल्दी से। सभी बच्चों से अनुरोध रहता है यार अपनी ना भागीदारी पूरी दिखाया करो आप लोग। बेटा मैं आपसे ये पूछता हूं ना कि थम्स अप करो तो करा करो बस। लो नो सर, लास्ट वाली लाइन नहीं आई, लास्ट वाली लाइन कुछ नहीं है बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देख। मैंने आपको क्या कहा था बेटा, फॉर्मूला आपको पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC होता है, और RC नहीं होता असल में। अगर ध्यान पूर्वक आपको मैं समझाऊं तो फॉर्मूला ये बनता है, ध्यान से देखना। आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टॉ, यहाँ पर टॉ असल में आपका कहलाता था RC, टॉ आपका होता था RC, लेकिन अब की बार नया बन गया, मैंने कहा टॉ की जगह आर नेट इंटू सी नेट आएगा सूत्र के आधार पर। तो आर नेट तो आर है लेकिन सी नेट क्या हो गया 2C, तो टॉ की जगह मैंने 2 RC लगा दिया बेटा, बाकी सब समान है। अब एक बात मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, तुमको पता ही ये बात कि मैक्सिमम चार्ज यानी इसमें पैदा होने वाले अधिकतम आवेश का मान कितना होगा, जल्दी बताओ ध्यान से सुनना। अधिकतम आवेश मेरे को निकालना है जिसको मैंने क्यू नॉट कह लिया। मुझे पता है भाई सूत्रों के आधार पे क्यू इज इक्वल टू CV होता है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे सी की जगह 2C आएगा क्योंकि तुल्य धारिता तो 2C है। तो मैंने कहा अधिकतम आवेश का मान पहले वाला नहीं आया, एक बारी दोबारा दीक्षा क्या नहीं आया बेटा, PDF नहीं मिलता, टेलीग्राम पे डेली मिलता है, आज भी मिलेगा, टेलीग्राम पता है ना कौन सा है,
अनअकैडमी नीट विजय, इस लेक्चर के खत्म होने के जस्ट 5 मिनट बाद पीडीएफ आ जाएगा बेटा, डेली आता है, आज भी आएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग, बात पहले प्रश्न करो छोटा सा, उसके बाद आगे चलूंगा। मैं तुम्हें कहा तुम्हारे पास एक प्रश्न है, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर ना इस तरीके का हिसाब किताब है, ध्यान से सुनो, उस प्रश्न को छोड़ो, इस पर आ जाओ पहले। ऐसा एक प्रश्न है और यहाँ पर तुमने इस पूरे सिस्टम को किसी बैटरी से कनेक्ट करके और इस तरह से जोड़ रखा है। तुम्हें बोला गया है कि इस पूरे प्रश्न के अंदर आने वाले टॉ का मान ज्ञात करिए कितना है, यानी समय नियतांक कितना है वो तुमको बताना है। तो मैंने कहा बेटा पहले वाला कह रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी समझा देता हूँ फिर उसको भी समझा दूंगा। समय नियतांक कैसे निकालता हूँ, सूत्र होता है समय नियतांक का तुल्य प्रतिरोध इंटू तुल्य धारिता, ये सूत्र है उसका, फार्मूला है ये बेटा। इधर सबका मान है आर आर आर, इनका मान है सी सी। तो अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम का तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा तो कैसे आएगा बेटा, तुल्य प्रतिरोध आपका आ जाएगा आर बाई टू प्लस आर। ये तो आता है ना आपको निकालना, बच्चों वाली बातें दसवीं कक्षा में पढ़ाया होगा तुमको। आपने कहा बेटा आ जाएगा 3/2 ऑफ आर, ये हो गया आर नेट। ठीक इसी तरीके से आपका सी नेट आएगा। अब सी नेट तो आपको पता है दोनों कैसे हैं भाई, पैरेलल कनेक्टेड है ये, क्योंकि यहां पर इनका आवेश विभाजित हो जाएगा। जब आवेश टूटता है तो ये सामान्य श्रेणी में कनेक्ट होते हैं। मैंने कहा सी प्लस सी का मतलब हो गया 2c, ये 3/2 r, ये 2c। तो आपके टॉ का मान क्या हो गया बेटा, वो हो गया 3/2 इंटू में आर इंटू में 2c, यानी हो गया 3rc। तो इसमें लगने वाले समय नियतांक का मान है 3rc, और इसी के आधार पर आपको पता है, मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि आवेश कितने मान के साथ बढ़ रहा है उसका सूत्र होता है बेटा ये, असल में ये नहीं होता, आरसी नहीं होता, आरसी की जगह हम लगाते हैं बेटा टॉ, इसका सूत्र होता है टॉ। लेकिन नए वाले केस के अंदर, इस परिपथ के अंदर आपके टॉ का मान है 3rc, तो इधर आप अपने सूत्र को किस तरह से परिवर्तित करोगे, आपने कहा अब की बार मेरे बेटे टॉ की जगह आरसी इंटू 3 लगा दूं। अब समझ आया अंकित को, अब समझ आया जिसको भी डाउट आ रहा था, प्रशांत को, अब आया बेटा जल्दी बताओ, क्लियर करो, थम्स अप करो मेरे को, अंकित और प्रशांत सिर्फ दो बच्चे। जी अमित बोलिए, जल्दी करो यार, इतना टाइम थोड़ी होता है, आगे चलता हूं। मैंने कहा मेरे बच्चे अब आपको इतना समझ आ गया, यहाँ पे जो मेरा तुल्य नियतांक आ रहा है उस तुल्य नियतांक का मान 2rc है, उस तुल्य नियतांक का मान 2rc आ रहा है मेरे पास नए वाला, ध्यान से देखो। तो आपने कहा अब 2rc आ रहा है तो यहाँ पर सूत्र भी बदल गया, -t/2rc लगाऊंगा, ये तो क्लियर है। और आपको एक सूत्र और पता है बेटा, मैंने ये पहले पढ़ा रखे हैं कि क्यू जो है वो सीवी के बराबर होता है। हाँ आपको पता है बेटा वी की जगह तो ई है ना, मैक्सिमम अधिकतम वोल्टता तो ई है, लेकिन सी की जगह 2c आएगा क्योंकि तुल्य धारिता कितनी है 2c है, तो आपने लगा दिया 2CE। तो आपके पास अधिकतम आवेश कितना आ रहा है बेटा, अधिकतम आवेश का मान आ रहा है 2CE। तो मैंने इसी समीकरण को अब और परिवर्तित करके लिखना है, 2 = Q0 की जगह लगाया 2CE, 1 - e^-t/2 × r × c। ये आपका क्या है, ये आपका तुल्य आवेश है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये तुल्य आवेश है, यानी ये टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज है जो बैटरी से निकल रहा है, असल में जो बैटरी से आवेश निकल रहा है, तो यहां से आवेश निकलेगा Q, ये वो आवेश है, हमसे समझ रहे हो तुम लोग। और तुमने कहा कि अब क्लियर हो रहा है मुझे,
कि जब ये आवेश आगे जाता है ना, तो ये आवेश दो में विभाजित हो जाता है, Q1 और Q2। और देखने मात्र से मुझे समझ आ रहा है जैसा कि दोनों की धारिता का मान बिल्कुल सामान्य है, तो मैं एक बात तो लिख सकता हूं कि भाई इसी के आधार पर मैंने लिखा Q1 और Q2 बिल्कुल बराबर है, जो कि और कुछ नहीं, या मैं ऐसा लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू Q/2 इज इक्वल टू Q2, आधा इधर चले जाएगा आधा उधर चले जाएगा, आधा इधर आधा उधर। तो इसके आधार पर मैं अपना उत्तर निकाल सकता हूं, और उत्तर निकाल के मेरे पास आ रहा है Q1 का मान दैट इज CE। अब आधा करोगे तो 2 कट जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस p/2 RC। और Q2 का मान आ रहा है बेटा CE 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC × 2, या 2 RC कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको समझ आना चाहिए मेरे बच्चे, मुझको जल्दी थम्स अप करो कि Q1 और Q2 का मान किस किस तरीके से आया, आपको क्लियर हुआ ना सारी चीजें जरूरी थी, जल्दी करो। जल्दी करो अब की बार मेरे पास बात आती है बेटा, अब मुझे धारा निकालनी है। अब क्या करना है मुझे एक बार और, अभी यार क्या आकांक्षा क्या समझाओ इसमें आपको, यहां तक तो मैंने बार बार ही पूछ लिया था, यहां तक समझ आ गया था आपको। अब मैंने आपको कहा आकांक्षा परिपथ को देखो बेटा, तो देखो सिर्फ और किसी चीज को मत देखना, हाँ सारी चीजें देख लो। आपको मैंने कहा कि इतना आपको पता है कि पीछे से आ रहा है बेटा टोटल चार्ज क्यू, पीछे से कितना आ रहा है क्यू चार्ज, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, यहां आएगा Q/2 यहां आएगा Q/2, परिपथ को देखो आप, तो Q1 और Q2 का मान समान है ना। आपने कहा Q1 और Q2 का मान कितना Q/2, मैंने टोटल को आधा कर दिया, यहां 2 था 2 से विभाजित कर दिया, तो 2 और 2 कट गया, उत्तर आ गया। ठीक है बेटा अब चलो करंट निकालते हैं। आप सभी को पता है धारा का मान क्या था, I इज इक्वल टू I0 × e की पावर माइनस t/2 RC लिख दूं, दिक्कत तो नहीं है ना, RC की जगह tRC की जगह RC की जगह 2 RC आएगा, क्योंकि हर जगह 2 RC चल रहा है, अब की बार C का मान 2 C है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, एक बात मेरे बच्चों को सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रही हो कि ओम्स लॉ क्या होता है। आपने कहा ओम्स लॉ, ओम्स का सिद्धांत आपको आता है, ओम्स कहता है आप लोगों को कि V इज इक्वल टू आर आई, मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू आर आई, यानी आई का मान क्या हो गया E बाय आर। इस पूरे के पूरे प्रतिरोध के अंदर तुल्य प्रतिरोध का मान आर ही है, आर तो आर ही है ना, एक ही है, ने कहा आई का मान है E बाय आर, ये आई नहीं है असल में अधिकतम है, ये क्या है आप लोगों का, ये अधिकतम बिल्कुल अधिकतम धारा है, जितनी ज्यादा हो सकती है ये उतनी ज्यादा धारा है, तो अधिकतम धारा का मान है E by R, या मैं लिख सकता हूं यहां से I is equal to E by R into E की पावर माइनस टी बाय टू आर सी। हाँ बिल्कुल, उसके बाद मुझे पता है बेटा कि आपका I1 और I2 क्या है, कि किसी तरीके से इस तरह से आप लोगों का आवेश विभाजित हुआ, आपका I1 और I2 भी तो विभाजित होगा बेटा, I1 आधा इधर आधा उधर, ठीक उसी तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर की साइड, आपका I1 और आपका I2 दोनों बिल्कुल इक्वल है, और ये कितने के बराबर है I/2 के, तो मैंने यहां पर लिखा कि I1 का मान आ जाएगा E/2 R, e की पावर माइनस टू बाई टू आर सी, और यही आपके I2 का मान भी आएगा। मुझे हर बच्चे से कमेंट चाहिए यस का, जल्दी से हर बच्चे से यस का कमेंट चाहिए, जल्दी बताओ बेटा समझ आ गया आपको। देखो आसान नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं समझने में डिफिकल्टी आएगी आपको, लेकिन समझना तो है ही ना, जल्दी करो हम सब, चलेगा नहीं यस चलेगा आपकी तरफ से, अब बस यस
अब आगे चलते हैं अगले सूत्र की तरफ, अगले तथ्य को पढ़ाता हूं। अगली बार मैंने तुम्हें कहा भाई नया कंसेप्ट तुमको पढ़ना है, अभी तुमने आवेशन पढ़ लिया, अब मैं तुमको निरावेशन पढ़ाऊंगा। संधारित्र का निरावेशन कैसे होता है, यानी आपको अब की बार अपने इस पूरे के पूरे संधारित्र की डिस्चार्जिंग करनी है। अगर आपको याद हो तो कल जो मैंने आपको परिपथ बनवाया था वो परिपथ कैसा था, ध्यान देना। आपका परिपथ था, यहाँ आपकी बैटरी थी बेटा, यहाँ आपका प्रतिरोध था, ऊपर आपका एक संधारित्र था और यहाँ आपका खटका था, यहाँ और यहाँ से ऊपर की तरफ एक और आप लोगों का प्रतिरोध चल रहा था। इस प्रतिरोध का मान भी R है, इसका मान भी R है, इसका मान C था, इसका मान E था। ये था बेटा आप लोगों का एक नंबर, ये था आपका दो नंबर और ये था आपकी बैटरी का मतलब स्विच। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि चार्जिंग करते टाइम, ड्यूरिंग चार्जिंग यानी चार्जिंग के समय, आप लोगों ने अपने एक खटके को बंद करा था, जो आपकी कुंजी एक थी, जो आपकी कुंजी एक थी वो कैसी थी बेटा, वो बंद थी। और जो आपकी कुंजी दो थी, यानी जो आपकी की एक थी वो बंद थी और की टू खुली थी, यही था आप लोगों का। जब की नंबर एक बंद था, जबी तो मैंने कहा था कि आपकी बैटरी से होता होता आपके संधारित्र में आवेश जा रहा है और संधारित्र आवेशित हो रहा है। लेकिन अब की बार मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग अपनी कुंजी नंबर एक को खोल दो और कुंजी नंबर दो बंद कर दो। अब मैं कह रहा हूं कि तुम क्या करो, तुम कुंजी नंबर दो को बंद कर दो और कुंजी नंबर एक को खोल दो। मैंने क्या बोला बेटा, कुंजी एक को खुला रखो। ऐसा करने पर क्या होगा, ध्यान से सुनो, जब आप कुंजी नंबर एक को खोल के कुंजी नंबर दो को बंद कर दोगे तो कुंजी नंबर दो बंद होते ही तुम्हें पता है कि जितनी तुम्हारी संधारित्र के अंदर आवेश स्टोर हुआ था वो संधारित्र अपने आप में ऊर्जा को अपने अंदर समा चुका था। अब उसी आवेशित संधारित्र के कारण इस पूरे ऊपर वाले परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होगी। अब क्या होगा, अब तुम्हारे इस आवेशित संधारित्र के कारण आवेश निकलेगा और ये पूरे परिपथ के अंदर जाएगा, इस तरीके से ऊपर वाले परिपथ के अंदर ये घूमेगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब की बार जो आपका संधारित्र है ना बेटा, अब की बार जो आपका संधारित्र है यानी जो आपका कैपेसिटर है, वो ही अब की बार बैटरी की तरह काम कर रहा है, वो बैटरी का काम कर रहा है। अब जब वो बैटरी का काम करेगा तो खुद क्या हो रहा है, ये क्या भेज रहा है, ये अपने आवेश को अपने से निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने आवेश को प्रवाहित करा रहा है, यानी अपने आवेश को प्रवाहित कराने का मतलब क्या होता है बेटा, जितना भी इसके अंदर आवेश था धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जब आवेश खत्म होगा तो क्या होगा, इसी को तो कहते हो निरावेशन, खत्म करना, इसी को तो कहते हो निरावेशन, बिल्कुल खत्म। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब निरावेशन करते समय क्या होगा जरा उसको देखते हैं। अगर मैं परिपथ बनाना चाहूं तो निरावेशन करते समय जो परिपथ आपके उपयोग में आ रहा है वो सिर्फ इतना है, ऊपर R है नीचे C है, यही आपका बैटरी का काम कर रही है, इसी में से मान लो आपका आवेश क्यों निकल, ठीक है बेटा। मैंने क्या करा, इसके अंदर किरचॉफ्स का वोल्टता नियम लगा देता हूं। मैंने कल पढ़ाया था थोड़ा बहुत किरचॉफ्स का वोल्टता नियम, थोड़ा ही बहुत पढ़ाया था, ज्यादा नहीं, किरचॉफ्स का वोल्टता नियम मैं पढ़ा देता हूं तुमको। तो किरचॉफ्स का वोल्टता नियम क्या कहता है, पूरे के पूरे परिपथ के अंदर तुल्य वोल्ट का मान जो है वो कितना होगा, शून्य। पूरे परिपथ के अंदर तुल्य वोल्ट का मान कितना होगा बेटा, शून्य होगा, कोई दुविधा तो नहीं है। और मैंने कहा कि अगर मैं परिपथ के अंदर लिखने वाले वोल्टेज को लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, यार बहुत आसान है, क्या मैं लिख सकता हूं, इस पे वोल्ट है V1, इस पे वोल्ट है V2। तो मैंने कहा V1 - V2 शुड बी इक्वल टू शून्य, जबी तो ये शून्य होगा। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि V1 और V2 बराबर होंगे, ये भी सही। तो तुम्हें मैंने क्या कहा, तुम्हें मैंने कहा मेरे बच्चे
अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, V1 का मान कैसे आएगा? आपको पता है बेटा Q by C, और मान लीजिए जो इसमें से धारा जा रही है उसका मान है I, आपने लिखा Q by C is equal to IR, दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मेरा बच्चा यहां से लिख सकता है I is equal to Q by C into R, और आपको भी पता है बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो I क्या होता है, dQ by dt होता है, इसको मैंने लिख दिया Q by CR, मैंने इसको ऐसा लिख दिया dQ by Q is equal to dt upon में C into R, और अब मेरे को पता है ये अवकलित भाषा में है, इसको समाकलित मुझे करना पड़ेगा बेटा, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, मैंने कहा ये समीकरण नंबर एक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करना आप सबको आता है, तो मैंने कहा इसका तो आ जाएगा log Q, उसका आ जाएगा T upon CR, ध्यान से देखिए कहां से कहां तक जाएगा बेटा, जीरो से इंफिनिटी तक, ओ जीरो से Q तक जाएगा और ये जीरो से T तक जाएगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा log Q माइनस में, ln q माइनस में ln छोटा q इज इक्वल टू में t बटे में c इंटू आर। अब मेरे को एक बार ही बताओ ध्यान से समझ आया कि नहीं आया, इसको यहां तक थम्स अप करो, मुझे एक चीज बतानी है जो आपके लिए अति आवश्यक है, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, यहां तक अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। चलो क्लियर है, अभी बात समझना, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं जो बच्चों के दिमाग में आई तो नहीं होगी लेकिन आनी चाहिए थी, कि सर हमने बड़े क्यू से छोटे क्यू तक क्यों किया, ये मेरे दिमाग में आएगा, जब आपने पहले वाला आवेशन वाली प्रक्रिया पढ़ी होगी तो उसमें मैंने जीरो से क्यू तक करा था, लेकिन निरावेशन में मैंने बड़े क्यू, बड़ा क्यू का मतलब है अधिकतम मान, लिख लो बड़ा क्यू है आपका अधिकतम आवेश, जितना आपका आवेश पैदा हो सकता है ये उतने आवेश का मान है बेटा अधिकतम आवेश, और छोटा क्यू है कितना आवेश बचा है। तो तुम्हें पता है कि जब t is equal to 0 सेकेंड था तो आपके संधारित्र जो था वो फुली आवेशित था, उसमें अधिकतम आवेश उपस्थित था, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे आपके संधारित्र में से आवेश निकलता जा रहा है, तो आपने कहा भाई t is equal to 0 पे आपके आवेश का मान बड़ा Q और t is equal to t पे आवेश का मान छोटा Q हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद उत्तर आ जाएगा मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है ना log a by b, मैंने इसको ऐसा लिख दिया t by rc, और मैंने इसको सॉल्व करने के बाद लिखा Q by Q is equal to e की पावर माइनस t by rc, मैं कर सकता हूँ उत्तर आ गया बेटा आप लोगों का, ये आप लोगों का समीकरण होता है जब आप इसको निरावेश कर, निरावेशित करने के समय पे जो आपका समीकरण आता है वो इतना होता है, इसको मैं दूसरी भाषा में भी लिख लेता हूँ, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान है, जिसको मतलब ऐसा कुछ था नहीं, जिसको आवेशित आ गया वो निरावेशित तो आराम से पड़ जाएगा, ये पहली लर्न करने वाली समीकरण आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के आधार पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मेरे बच्चे कि Q is equal to CV होता है, यानी V is equal to Q by C होगा, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि Q by C is equal to बड़ा Q by C into E की पावर माइनस T by RC, तो इसी के आधार पर मेरे पास वोल्टता की भी समीकरण आ जाएगी जो कि और कुछ नहीं इसी के बिल्कुल समान रहेगी, V not into E की पावर माइनस T by RC, ये आप लोगों की वोल्टेज की इक्वेशन आ गई दूसरी, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें पता है बेटा कि तुम लोगों ने बचपन से ही पढ़ी है एक छोटी सी बात जिसको कहते हैं समय नियतांक, तो समय नियतांक क्या था,
समय नियतांक आप लोगों का टी इज इक्वल टू आर सी था। और मैं एक बात लिख सकता हूं कि ऊपर वाले समीकरण को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। तो मैंने आरसी की जगह टॉ लगा दिया, और आरसी और कुछ नहीं होता बेटा, आर नेट इन टू सी नेट होता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो आने वाले समय पर कंफ्यूज मत होना कि भाई ये कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि ये बहुत आसान चीज है, आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक इसी तरीके से v is equal to v naught into e की पावर माइनस t by tau, आपका ये भी समीकरण आपके पास आ गया। अब आता है कि धारा का भी समीकरण निकालो। धारा का समीकरण कैसे निकालूंगा, मुझे पता है बेटा q is equal to q naught into e की पावर माइनस t by tau है, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ i into dt हो जाएगा ये। I is equal to what? I is equal to dq by dt होता है ना, मैंने इसको ऐसा लिख दिया dq by dt। तो मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट करा तो आ गया माइनस t by tau into q naught into e की पावर माइनस t by tau माइनस वन। ऐसा कुछ देखने को आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे बेटे, क्लियर है। चलो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास, वैल्यू पुट करते हैं, वन बाई टॉ, सॉरी नहीं आएगा, वन बाई, वन बाई टॉ, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो यहां माइनस वन नहीं आएगा, ठीक है ना, पावर में माइनस वन नहीं आएगा बेटा। मैंने यहां लिखा माइनस वन बाय आर सी क्यू नॉट e की पावर माइनस टी बाय आर सी, और मैं जानता हूं कि क्यू नॉट अपॉन में c क्या होता है, v। हाँ मैंने इसको ऐसा लिख दिया v नॉट अपॉन r e की पावर माइनस टी बाय आर सी, और ओम्स लॉ कहता है v अपॉन r होता है i। मैंने लिखा I नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, लेकिन नेगेटिव चिन्ह के साथ। तो ये आपका फाइनल समीकरण आ रहा है आपकी धारा का। आपकी धारा इतने सूत्र के साथ प्रवाहित करती है। आप अगर ध्यान से देखो तो तुम मेरे को कहोगे कि सर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे, नोट करके लिखते हैं, आपने मेरे को कहा बेटा आवेशन और निरावेशन के टाइम पे, आवेशन व निरावेशन में आई का मान समान है। ध्यान से देखो, आई जो है वो दोनों में समान है, जितना आई उसमें प्रवाहित कर रहा था उतना ही आई इसमें भी प्रवाहित कर रहा है, बट फर्क किस चीज का है। मैंने कहा फर्क ध्यान से देखो, ये नेगेटिव, और ये हमेशा भौतिकी क्षेत्र में ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है आपको, पता है ना, भौतिकी क्षेत्र में हमेशा आपको ऋणात्मक चिन्ह बताता है विपरीत दिशा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आप लोगों का जब आवेशन हो रहा था तो आपका धारा जिस भी दिशा में जा रहा था निरावेशन के टाइम पे विपरीत दिशा में बहेगा ही बहेगा, इसमें कोई शक नहीं। समझ आ गया? तो ये नीट का कंसेप्ट बन सकता है कि बेटा आवेशन और निरावेशन के समय पे आई का मान हमेशा इक्वल रहता है, इसमें दुविधा नहीं आई। चलो जल्दी थम्स अप करो, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इतने में सबके लिए सूत्र लिख देता हूं, निरावेशन के लिए आपके सूत्र क्या क्या बन रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन करा दूंगा। पहला q is equal to q naught into e की पावर माइनस t by rc, दूसरा आ रहा है बेटा v is equal to v naught into e की पावर माइनस t by rc, और तीसरा आपके पास आ रहा है i is equal to minus i naught into e की पावर माइनस t by rc। ये चीज आ गई। अब निरावेशन के समय पर जल्दी से बेटा जल्दी से क्लियर करते हैं, चलो बहुत जरूरी चीज है, ऐसी कोई खास नहीं है। जब आपको मैं नोट्स दूंगा टेलीग्राम पे तो एक बार खुद से पढ़ लेना इसको, तो हर चीज समझ से आ जाएगी, कोई ऐसी दुविधा आने नहीं वाली, ठीक है बेटा। ये तो डेरिवेशन है, छोटी छोटी बात है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें दिमाग चकरा जाता है, वो समझ नहीं आते, सच बात। मैं कराऊंगा, ध्यान से सुनते चलना आप लोग। आपको मैंने कहा क्या, मेरे बच्चे को मैंने कहा बेटा कि अब आपको एक बात और पता है कि समय नियतांक क्या होता है ना। आपने कहा बेटा समय नियतांक क्या होगा भाई, वो और कुछ नहीं वो आरसी होता है, आपको भी पता है। तो मैंने कहा जब आप लोग टॉ इज इक्वल टू आरसी भी जान रहे हो, तो मैंने कहा अगर आप लोगों का टी की जगह आरसी रख देता हूं तो आपके क्यू का मान क्या होगा,
आपने कहा क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस आरसी बाय आरसी, पूरा कट गया, यानी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन बाय ई। और मैंने कल ही बताया था बेटा वन बाय ई का मान होता है 0.37। तो आपको ये बात याद रखनी है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अभी तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि मैं लिख सकता हूं क्यू और कुछ नहीं 37% है अधिकतम मात्रा का, 37% है अधिकतम मात्रा का। तो एक बात याद रखना कि तुम लोगों का आवेशन करते समय, आवेशन का आवेश, आवेशन का जो आवेश है प्लस निरावेशन का जो आवेश है, आवेशन का आवेश निरावेशन का आवेश, एक समय पर आपको क्या मात्रा देता है, अधिकतम आवेश। करके देख लो बेटा, आपने मुझे कहा आप लोगों का t इज इक्वल टू में आरसी पर q इज इक्वल टू में 67% आता था अधिकतम मात्रा का, ये होता था जब आपका आवेशन प्रक्रिया चल रही होती। और मैंने कहा q इज इक्वल टू 37% आ रहा है अधिकतम मात्रा का जब आपकी निरावेशन प्रक्रिया चल रही है। तो आप दोनों को योग करिए बेटा, आपने कहा 0.67 प्लस 0.37 3 आएगा, 6-3 प्लस 0.37 कितना होगा, आपने कहा अधिकतम आ जाएगा क्यू नॉट। मैंने यही तो लिखा और यही तो आपका नीट का क्वेश्चन है कि भाई समय नियतांक पर आप लोगों का आवेशन का आवेश और आपका निरावेशन का आवेश एक ही संधारित्र के लिए अधिकतम मात्रा के आवेश का ज्ञात करते हैं। तो इसलिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चल अभी इसके बाद मेरे बच्चों को एक प्रश्न करवा देता हूँ ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो एक प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो बोला गया ये आपकी बैटरी है, ध्यान से सुनना, इस बैटरी की वोल्टता है ई, ठीक है, और आपको कह रहा है कि ये आपका एक संधारित्र है जिसका मान है सी, इधर आपका एक खटका है, स्विच है और कुछ नहीं है, और एक प्रतिरोध है आर, इधर एक और संधारित्र है जिसका मान भी सी है, सी टू भी सी के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बेटा। और कह रहे हैं कि इस पूरे संधारित्र में, इस वाले सी टू संधारित्र के अंदर आपका एक और विभव उपस्थित है जिसका मान है 2V, जिसका मान है बेटा 2V, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ई ये है, एक 2E ये है, और ये C है, ये भी C है, और ये प्रतिरोध है R। तुम्हें बोला गया है सबसे पहले तो तुम्हें बताना है कि आवेश जो है Q1 on C1 and Q2 on C2 को निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम, यानी समय के संबंध में आपको आवेश पता करना है, इस पे पैदा हो रहा है Q1 और इस पे पैदा हो रहा है मान लो Q2, ये चीज आ गई। दूसरे में आपको कह रहा है कि पूरी की पूरी ये तो हो गया ए पार्ट, दूसरे में कह रहा है पूरे परिपथ के अंदर ज्ञात करो कि कितनी धारा आ रही है, वो भी आपको समय के संबंध में ही निकालती है, समय के संबंध में ज्ञात करो। तीसरे में कह रहा है मेरे बच्चे कि ग्राफ बनाने, ग्राफ छोड़ो, चलो ये दो ही करते हैं, किस तरह से करेंगे थोड़ा सा दिमाग आप लगा लो पहले एक मिनट का, उसके बाद मैं मेरे बच्चों को करवाना स्टार्ट करता हूँ, आप अपनी तरफ से करो, मैं अपनी तरफ। इस पूरे परिपथ को देखो और इस पूरे परिपथ के अंदर मैं ये बात तो लिख सकता हूँ कि तुल्य वोल्टता कितनी है, मेरे को ये बताओ जल्दी से तुल्य वोल्टता कितनी है। देखो मैंने किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया नहीं है तो उसके आधार पर कोई प्रश्न लेकर नहीं आ रहा मैं अभी, ठीक है। तो एक हो गया ई, दूसरा हो गया 2E, टोटल हो गया बेटा 3E, तुल्य वोल्टता होगी 3E। तो मैं एक बात तो लिख सकता हूँ कि ये जो 3E है ये किसके बराबर है, ये एक तो आपका रहेगा इस QYC के बराबर, एक दूसरे वाले QYC के बराबर, और एक रहेगा इस प्रतिरोध में आने वाले, इस प्रतिरोध में आने वाले V के बराबर। मैंने कहा इसको मैंने लिख दिया IR, क्लियर है मेरे बच्चे। यहां से आसानी के साथ लिख सकते हैं कि 3E
इज इक्वल टू में 2q बाय सी प्लस में आई आर, और मेरे बच्चे यहां से आसानी से इसको भी ऐसा भी रूपांतरित कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 3e बाय आर माइनस में 2q बाय सी आर। हाँ, ये भी आसानी से मेरे बच्चे रूपांतरित कर रहे हैं। मेरे बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dq बाय dt इज इक्वल टू में 3ec माइनस में 2q अपॉन में सी आर, ये भी मेरे बच्चों ने रूपांतरित कर लिया। और मेरे बच्चे इसको आसानी से ऐसा भी लिख सकते हैं, dq अपॉन में 3ec माइनस में qr, और आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, 3ec माइनस में 2q, इज इक्वल टू dt अपॉन में cr। मैंने इसको समाकलित कर लिया, लगभग आपको वैसी चीज दिखने लग गई है जो पहले दिखा करती थी, आवेशन हो रहा है 0 से लेके q तक जा रहा है। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 3ec माइनस 2q अपॉन 3ec लॉग में चलेगा यहां, इज इक्वल टू सी टी बाय सी आर। इतना मेरे बच्चों को सबको समझ आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ टी बाय सी आर, और अब मैं लिख सकता हूँ 3ec माइनस में 2q अपॉन में 3ec is equal to में e की पावर ये माइनस, हाँ ये ऊपर चला गया ना, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस टी बाय सी आर। डेरिवेशन आपको करनी आती है, बिल्कुल बेझिझक मैं आराम से ये बात मान सकता हूँ कि आपको आती है। आपने कहा ठीक है, जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 3ec माइनस में 2q इज इक्वल टू में 3ec इंटू ई की पावर माइनस टी बाई 2r, और इसी आर 3ec को एक साइड ले जाओ, आपके पास इक्वेशन बच रही है मेरे प्यारे बच्चे, q इज इक्वल टू में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहां से आप देखकर भी लिख सकते, 3 बाई 2 ऑफ ec 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। जल्दी करेंगे, समझ आ गया? थम्स अप करेंगे मेरे सभी बच्चे? चार्ज आ गया आप लोगों का? यकीन वाला 3.0 बेटा क्या समझ नहीं आया ये बताओ। नरेंद्र और यकीन आपको क्या समझ नहीं आया बेटा ये बताओ एक बारी, हम स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा से, क्योंकि लगभग बाकियों को आ गया, इन दो बच्चों को नहीं आया, बेटा आपको क्या नहीं आया वो बताओ। सबसे पहले तो आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हो ना, कि बिना कॉपी में सॉल्व करे काम नहीं होगा। आप मेरे को ये बताओ बेटा आपको समझ क्या नहीं आया। स्टेप टू, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, आप आराम से समझते हुए चलना सभी बच्चे, ठीक है? दोबारा से, सबसे पहले मैंने मेरे बच्चों को कहा कि आपके पास यहां पर टोटल वोल्टेज कितनी, भाई एक हो गया इसका ई, एक हो गया 2e, टोटल हो गया 3e, ठीक है? और मुझे पता है कि किरचॉफ्स का नियम क्या कहता है, टोटल वोल्टेज जो होगी वो सभी के अनुकूल आने वाली वोल्टेज के योग के बराबर होगी। मैंने कहा पहले वाले के अराउंड वोल्टेज आ रहा है क्यू बाई सी, दूसरे के अराउंड वोल्टेज आ जाएगा इसके अराउंड भी क्यू बाई सी, और प्रतिरोध के पास जो वोल्टता आती है उसका मान होता है आई आर, ठीक है? आपने किरचॉफ का नियम लगाने के बाद ये लिखा 3a इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करा 2q बाय सी प्लस आई आर। मैंने यहां पर बेटा एक तरफ आई आर लिख दिया, आप यहां पर ना आर को डिवाइड मत करो, पहले आर आई लिखो, यहां पर आर भी लगा,
3e में से 2q by c को घटाऊंगा तो वो ir के बराबर होगा, और मैंने पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास बचा i इज इक्वल टू 3e by r माइनस 2q by cr, ठीक है। उसके बाद मैं जानता हूं कि i को मैं लिख सकता हूं बेटा dq by dt, लिखता हूं ना, आपने लिखा dq by dt इज इक्वल टू में 3e को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐसे देख लो, आप लोग शायद से ये चीज आपको समझ नहीं आई, मैंने इसको कहा बेटा इसको और इसको आपने c से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब दोनों में क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर मैंने क्या करा 3ec माइनस 2q अपॉन cr, ये हो गया dq बाई dt के बराबर, ठीक है बेटा। अगले पेज पर मैं गया, अगले पेज पर जाने के बाद मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मैं क्या करा dq के नीचे ये पूरी टर्म ले आया ऊपर वाली और dt को ऊपर ले गया, मैंने कहा dq अपॉन दिस इज इक्वल टू dt अपॉन दिस। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे आप, जीरो से लेके t तक और जीरो से लेके बड़े q तक। आपने कहा बेटा इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये अगर समझ नहीं आया तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा मेथड पढ़ाया था, आप उस मेथड को देखो और आपको ये अचानक से समझ में आ जाएगा कि ये इंटीग्रेट कैसे हुआ है, क्योंकि बार बार सिखाने से अच्छा है एक बार ही जब बता रखा है तो रिकॉर्डिंग वीडियो को आप देख सकते हैं, इससे ठीक पहले वाला लेक्चर, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है 3c माइनस 2q बाई 3c, और इसको सॉल्व किया बेटा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई और ये आ गई। नरेंद्र अब बता बेटा, राजकुमार और नरेंद्र अब बताओ समझ आया बेटा, यकीन वल्ला जो भी है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इससे पहले वाला लेक्चर देखो, फर्स्ट टाइम आए हो ना तो आपको मिल जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, चलो बल्कि ये पहली बार आया तो इसको समझ आ गया, अच्छी चीज। मेरे को वो बताओ नरेंद्र और राजकुमार, बेटा आपको आ गया, यदुवंशी कुंदन, तो ये नाम कैसा रख रखा है यार तुमने, ये वल्ला अपना नाम रखो ना, चलो क्लियर है। तो अभी चलता हूं, फिर समय हो गया असल में सेशन का, और जाने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं आप लोगों को बेटा, की कम गया आप लोगों के लिए, शाम को 5 बजे मैंने अनअकैडमी पर फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल क्लास अरेंज करी है, जिसमें आजकल मैं आप सभी को पूरा फोर्स का कंसेप्ट फ्री में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं एचसी वर्मा को पूरा कवर अप करने वाला हूँ। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिस को करने के लिए शाम को 5 बजे आप मेरे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी स्पेशल क्लासेस में बन सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए आप एक बार वहां सर्च करेंगे निखिल गोयल और मुझे फॉलो कर लो, तो मेरी हर स्पेशल क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसको आप फ्री में जब भी देख पाएंगे, जब अनअकैडमी कभी भी आपसे अगर कहे कि तुमको कोड लगाना पड़ेगा नहीं तो पैसे लगेंगे, तो कोड के तौर पे बेटा योद्धा लगा देना, ठीक है, ये सारे पैसे को माफ करवा देगा तुम्हारा, योद्धा कोड लगाना, जब रजिस्टर करोगे जब ही लगा देना, कभी नहीं मांगेगा फिर। तो निखिल गोयल को फॉलो कर लो, मेरी सारी स्पेशल क्लास को फ्री में मिलेगा। अभी एचसी वर्मा के फोर्स कंसेप्ट को पूरा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंसेप्ट को न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आना मत भूलिएगा। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, नोटिफिकेशन नहीं आता कोई बात नहीं, वैसे ही आ जाओ। ज्वाइन कैसे करते हैं, अनअकैडमी पे जाओ, पहले तो ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन मांगेगा, मतलब वो नंबर और नाम रजिस्टर नहीं करने होते, मोबाइल नंबर ओटीपी, वो करने के बाद वो कहेगा अनलॉक कोड, कोड मांगेगा, उसके बिना फ्री में नहीं देख पाओगे, पैसा लगेगा। तो फ्री में देखने के लिए वो कहेगा कि कोड बताओ, तो अनअकैडमी का ये स्पेशल कोड है बेटा योद्धा, इसी कोड के माध्यम से आपके पैसे सारे कट जाएंगे, मतलब फ्री में मिल जाएगा, तो ये कोड लगा दे, ठीक है। तो जो नए बच्चे